टैक्स फॉर वेल्थ में। और आज मैं आपको कुछ रूल्स, कुछ रेसिपी जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत मदद करेंगी वो लेके आया हूँ इस वीडियो में। और ये क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर साल स्टॉक मार्केट में काफ़ी नए लोग एंटर करते हैं, और वो लोग जब एंटर करते हैं स्पेशली जब मार्केट ऊपर होता है, और केवल 10-15% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में पैसे बना पाते हैं, बाकी सारे लोग पैसे लूज करते हैं। हो सकता है ये आपके साथ भी हो या आपके साथ हो रहा हो, तो इसके लिए मैं सभी को ये हेल्प करना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएं, साथ ही साथ अपना जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको भी बढ़ा पाएं। तो हमारा सबसे पहला रूल है नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, मतलब कभी भी स्टॉप लॉस लगाए बिना कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्टमेंट आइडिया को इनिशिएट ना करें, क्योंकि अगर आप बिना स्टॉप लॉस लगाए आपका कोई भी आइडिया को इनिशिएट करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो आप अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको लूज करेंगे या आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसको लूज करेंगे, और अल्टीमेटली आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो है उस फील्ड से पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। दूसरा रूल है पोजिशन साइजिंग। आपकी पोजिशन साइज क्या होनी चाहिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे आप जब भी स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले ये एलोकेट करना होगा कि मैं कितनी कैपिटल के साथ मार्केट में एंटर कर रहा हूँ। सपोज आप 10 लाख रुपए के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे लगता है कि आपको 10 या 20 स्टॉक ऐसे चुनने चाहिए जिनमें आपको अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। तो आपको जो अपना पोजिशन साइज है वो हर स्टॉक में इक्वल रखना चाहिए जिससे कि आपका जो रिटर्न है वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा आने वाले टाइम में हो सकता है। हमारा तीसरा रूल क्या कहता है, रिस्क मैनेजमेंट। कि जब भी आप कोई भी आइडिया में इन्वेस्ट करें, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो तब आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो कम से कम 1:2 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का खरीदा, तो आपको पहले उसका स्टॉप लॉस निर्धारित करना चाहिए कि सपोज और आपने उसका स्टॉप लॉस निर्धारित किया 90 रुपये, तो आपका लॉस जो है वो 10 रुपये तक प्रोटेक्ट हो गया। अब आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 20 रुपये होना चाहिए, यानी कि आपका जो टारगेट प्राइस है उस स्टॉक में कम से कम 120 रुपये होना चाहिए। अगर वो 120 रुपये, 125 रुपये, 130 रुपये है तो फिर आपको वो स्ट्रेटजी डेफिनेटली इनिशिएट करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका प्राइस 120 रुपये से कम है तो फिर आपको उसको स्ट्रेटजी को रिवर्क करना चाहिए और कोई दूसरे आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तीसरी चीज हो गई आपका जो टोटल कैपिटल है, उसका केवल 1-2% ही आपको रिस्क लेना चाहिए। मतलब आपका 10 लाख रुपए का कैपिटल है और सपोज आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने 1 लाख रुपए के स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर आपका रिस्क 10% भी आपने रिस्क अपना स्टॉक का 10% भी रखा है तो आपका जो लॉस हुआ 10% हुआ, लेकिन आपका जो टोटल कैपिटल का साइज है 10 लाख, उस पर वो रिस्क केवल 1% है। तो आपको इस तरीके से अपना रिस्क प्रोफाइल मैनेज करना चाहिए। तो मुझे लगता है, और मैं ये सारे रूल्स काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और इससे मुझे काफी बेनिफिट भी हुए हैं अभी तक आने वाले पिछले टाइम में, तो मुझे लगता है अगर आप लोग भी ये रूल आने वाले टाइम में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी ना ही अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे बल्कि अपना जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरी सलाह है कि आप लोग ये अभी से करना फॉलो जरूर शुरू करें। बाकी हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।